हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो है टीवीएस जुपिटर क्लासिक के लिए टूलकिट के बारे में। जो सौरभ भाई ने बोला था कि उनको टूलकिट चाहिए बोल के, तो उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको क्या क्या टूल्स चाहिए क्या बोल के, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं आपको क्या क्या टूल्स ज़रूरत है, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। पहले आपको चाहिए एक एलंकी सेट चाहिए, एक एलंकी चाहिए तो भी आप खरीद सकते हो। सिंगल एलंकी आपको 10 mm की एक रहती है, 10 mm की एक 6 mm की आप चाहिए तो वो खरीद सकते हो। वरना आप सिंगल खरीदने के बजाय आप एक खरीद लेंगे तो 120 rupees या 150 rupees मिल जाएगा, ठीक है। पूरा बॉक्स खरीद लो मेरा मानो तो, कभी भी कौन सी एलंकी ज़रूरत पड़ती मालूम नहीं रहता, तो एक बॉक्स खरीद लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए एक 12 और 13 mm का रिंग स्पैनर चाहिए, तपारिया कंपनी का है ये। ये आपको 50 to 60 rupees में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए 14 और 15 mm का रिंग स्पैनर चाहिए, ठीक है। ये आपको 70 to 80 rupees में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए 16 और 17 mm का रिंग स्पैनर, ठीक है। ये आपको 80 to 100 rupees में ये भी मिल जाएगा। तपारिया कंपनी का ही खरीदिए, सिंगल सिंगल भी आपको दे देगा हार्डवेयर शॉप वाला। नेक्स्ट आपको चाहिए 20 और 22 mm का रिंग स्पैनर, इसका प्राइस मैं बताना भूल गया। ये आपको 120 to 150 rupees में भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए 14 और 15 mm का फ्लैट स्पैनर चाहिए, ये आपको 30 या 40 rupees में ये भी दे देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है टी स्पैनर, ठीक है। ये टी स्पैनर आपको 8 mm का है। एक आपको टी स्पैनर पूरे 3 खरीदने होंगे, एक 8 mm का, एक 10 mm का, एक 12 mm का खरीदना होगा, ठीक है। उसकी प्राइस आके एक 8 mm का 120 to 150 rupees है, सेम 10 mm का भी उतना ही रहता 120 to 150 rupees। 12 mm का एक ही रेट ज़्यादा रहता, 200 या 250 rupees में वो भी दे देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लग स्पैनर, ठीक है। आपको ये टपारा खरीदना नहीं है, ये कौन सा भी लोकल मिल जाएगा, अच्छा रहता है क्वालिटी, ठीक है। कम में मिल जाएगा, 50 रुपये 60 रुपये में दे देगा आपको, या उससे और भी कम रह सकता है, ठीक है। ये अगर टपारिया लेने जाएंगे तो आपको उसका लेंथ ज़्यादा रहेगा, तो प्लीज़ टपारिया मत खरीदिए, कोई भी लोकल कंपनी का खरीद लीजिए। अगर टपारिया में भी शॉर्ट वाले आने लगे हैं तो ठीक है, वो भी खरीद लीजिए। टपारे में नहीं आएंगे मैक्सिमम, लंबे वाले ही बनाता है टपारिया कंपनी। हार्डवेयर शॉप में जाके आप, अगर ये सब सारे लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप हार्डवेयर शॉप में जाके ये सारे परचेस कर लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको चाहिए कटिंग प्लेयर, कटिंग प्लेयर ये भी टपारिया कंपनी का ही खरीदना, ठीक है। ये आपको 230 rupees में ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर में यहाँ पे 2 types के हैं, एक स्लीव वाला है, एक विदाउट स्लीव वाला है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो, ठीक है। ये 80 rupees है, 100 rupees में आपको मिल जाएगा। टपारिया कंपनी का ही है, ये भी टपारिया का ही खरीदो। अगर आप लोकल खरीदोगे ना तो जो ये रहता ना, इसका स्टार मैं दूसरी फोटो में दिखाऊंगा, ये जल्दी डैमेज हो जाता, ठीक है। जूम हो जा भाई, फोकस फोकस हो जा, ये भी फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अगर डैमेज हो जाता दोस्तों, मैं बोल दूंगा अभी, ये सिर्फ ये जो स्टार का ये रहता ना, जो स्टार 4 मुंह का ये रहता, वो डैमेज हो जाता, ठीक है। तो आप टपारिया कंपनी का ही खरीद। नेक्स्ट आपको चाहिए ये 16 mm स्क्वायर ड्राइव टी टाइप हैंडल बोलते हैं इसको, ये आप खरीद लीजिए। ये सॉकेट लगाने का काम आता है इसके, ये एक रहता और एक एल टाइप रहता, ठीक है। ये टी टाइप है, इसको आप सेंटर में रख के, एक सपोर्ट रॉड आता लंबा वाला, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा वो कैसा आता बोल के। तो हाँ फ्रेंड, ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। इसको आप ऐसे अटैच करके, ठीक है, कुछ आप इसका ऐसे अटैच करके, जो टी स्पैनर रहता ना ऐसा वाला, ऐसा टी स्पैनर रहता ना, उसी प्रकार इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसको यूज़ करते हैं अटैचमेंट करके। अगर आप ओएल लेंगे ना तो ऐसा रहेगा कि आप उसको टी स्पैनर की जैसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक ही तरफ स्टक होके रहता। तो ये खरीद लीजिए, ठीक है। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो ये भी खरीद सकते हैं, सपोर्ट रॉड बोलते हैं इसको। अगर आप इंजन का काम वगैरह कर रहे हैं तो ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, वरना कुछ ज़रूरत नहीं रहेगी। इसमें एक और एक आता आपको शॉर्ट वाला, ठीक है, वो चाहे तो आप खरीद सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं रहती। ये इन सारे टूल से अभी आपका काम चल जाता, ठीक है दोस्तों। फिर आपको नेक्स्ट चाहिए 16 mm का सॉकेट चाहिए, ठीक है। ये जो सिक्स टाइप का सिक्स ये रहता ना,
सिक्स स्टेप बने हुए रहते हैं, वही खरीदना ठीक है दोस्तों, दूसरा मत खरीदिए, क्योंकि दूसरा खरीदेंगे तो वो 21 या 22 आता, वो स्लिप कर देता आपके बोल्टों को, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए एक रबर हैमर चाहिए, वो मेरे पास अभी नहीं है, जस्ट आप फोटो में देख लीजिए, एक रबर हैमर खरीद लीजिएगा, वो आपको 200 या 250 रुपीस में वो भी मिल जाएगी, ठीक है, हार्डवेयर शॉप में खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये नॉर्मल वर्क के लिए यूज़ होगा दोस्तों, कौन सा सर्विस वगैरह करना चाहते हो या कुछ छोटा मोटा रिपेयर करना है तो यूज़ होगा, अगर आप इंजन का काम करना चाहते हो तो उसके स्पेशल टूल्स अलग आते हैं, मैग्नेट पुलर है, क्लच होल्डर है, ठीक है, लॉक प्लेयर है, ओपन लॉक प्लेयर, क्लिप प्लेयर बोलते हैं, ओपन क्लिप प्लेयर, क्लोज क्लिप प्लेयर, तो ये अलग अलग टूल्स रहते हैं वो। अगर आप इंजन का काम भी करना चाहते हो उसके बारे में भी आपको चाहिए तो खरीदिए, अगर आप इंजन का काम नहीं करते घर में, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं रहती आपको खरीदने के, कुछ वेस्ट हो जाएगा वो, अगर वो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता तो आपको वो चाहिए तो ही खरीदना, उसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बना के दे दूंगा आपको, अगर वो भी चाहिए तो टूल्स, ये बेसिक काम जो भी रहता है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इनडेप्थ वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का काम करना है इंजन वगैरह का, फोरक का, तो उसके लिए सेपरेट टूल आते हैं, फोरक का काम करना है तो फोरक टी रॉड, ऑयल सील इंस्टॉलर, वो सेपरेट आते हैं, फोरक कोन इंस्टॉलर, ठीक है, वो सभी कुछ अलग आते हैं टूल्स। अगर आपको स्पेशल टूल्स भी चाहिए इसके तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। और आपको कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।